नेटवर्क से। सो अगर मैं नेटवर्क कमांड चला रहा हूँ 10.0.0.0, या फिर मैं नेटवर्क कमांड चला रहा हूँ 10.1.0.0, या फिर मैंने नेटवर्क कमांड चलाई 10.255.255.255, क्या इन तीनों नेटवर्क कमांड में फर्क है? अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? दोनों भाई मैंने यूज करा अभी तक नहीं ना, यूज करूंगा वो तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने तो जो आपके सामने लिखा मैं उसमें पूछ रहा हूँ कोई फर्क है तो नहीं या नहीं, ठीक है? ढूंढ के लेके आना। अगर मैंने ये तीनों कमांड यहाँ पे चलाई है, अभी तक मैंने कोई वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पे नहीं दिया, और मैं वाइल्ड कार्ड मास्क की बात भी नहीं कर रहा। अगर मैंने तीनों नेटवर्क कमांड यहाँ पे चलाई है तो क्या इनके एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? एक बारी देख के आना, थोड़ा एक बारी करके देखना। सबसे पहले वाली कमांड चलाना और देखना कि बेसिकली सारे इंटरफेसिस पे EIGRP चला या नहीं चला। फिर आप लोग ये वाली कमांड चलाना और देखना कि ये वाली कमांड EIGRP चलाती है या नहीं सारे इंटरफेसिस पे। फिर ये वाली कमांड चलाना और देखना इस वाली कमांड से सारे इंटरफेसिस पे EIGRP चला या नहीं चला, क्लियर? और आउटपुट देखने के बाद मॉनिटर करना थोड़ा सा कि हो क्या रहा, ठीक है? करके देख। और उसके बाद कौन सा नेटवर्क चला दिया? 12 का, ठीक है? R1 पे EIGRP कॉन्फिगर कर दिया। देन अब चलते हैं R2 पे, क्या कमांड है? राउटर EIGRP1। अब एक तो हमने नेटवर्क कमांड चला दी, कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया? 12 का। और एक मैंने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया? 23। R3 पे चलते हैं, राउटर EIGRP AS नंबर 1। यहाँ पे मैंने नेटवर्क कमांड चला दी, कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया? 23 का। और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल होती है। अगर आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी हो देन यू कैन वेरीफाई दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, विच कमांड? शो IP प्रोटोकॉल। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे यहाँ पे आप मैसेज रीड कर सकते हो, वो क्या बता रहा है कि ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? डिसेबल, क्लियर? अगर 12.x पे चलाओगे ये कमांड तो वो क्या बताएगा ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? एनेबल। यहाँ हम 15.x पे चला रहे हैं इसलिए वो क्या बता रहा है ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? डिसेबल, क्लियर? अब अगर ऑटोमेटिक समराइजेशन डिसेबल्ड है तो क्या होगा? R1 ये नेटवर्क एज इट इज एडवर्टाइज कर देगा R2 को, और R2 ये नेटवर्क एज इट इज आगे किसको एडवर्टाइज कर देगा? R3, क्लियर? पहले देखो, डू शो IP राउट EIGRP। मैं R2 पे चला रहा हूँ ये कमांड, R2 पे देखो 10 के नेटवर्क एज इट इज आ रहे हैं जैसे हमने R1 पे बनाए थे। R1 ने एज इट इज वो नेटवर्क किस पे एडवर्टाइज कर दिए? R2, क्लियर? और R2 आगे वो नेटवर्क एज इट इज किसको एडवर्टाइज कर देगा? R3। R3 पे चल के देखो, डू शो IP राउट EIGR। R2 ने वो एज इट इज आगे नेटवर्क किसको एडवर्टाइज कर दिए? R3। बट लेट से मेरी रिक्वायरमेंट है कि R2 जब उन नेटवर्क्स को आगे सेंड करे तो उन नेटवर्क्स की क्या परफॉर्म कर दे? समरी परफॉर्म कर दे। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि R2 जब उस नेटवर्क को आगे सेंड करे तो क्या परफॉर्म कर दे? समरी परफॉर्म कर दे, क्लियर? तो समरी परफॉर्म कराने के लिए आप क्या करोगे, R2 के इंटरफेस पे जाओ जिसके थ्रू आपके सारे नेटवर्क सेंड हो रहे हैं। देखो ना इस डायग्राम में, देखो R2 का कौन सा इंटरफेस है जिसके वाया वो नेटवर्क सारे R3 को भेज रहा है? Serial 2/0, क्लियर? इसके अंदर आ जाके आपको कमांड चलानी है IP समरी एड्रेस EIGRP AS नंबर क्या था? 1। उसके बाद आपने समराइज करने के बाद नेटवर्क क्या निकाला था? 10.1.0.0, और सबनेट मास्क क्या निकाला था? /22। अब R2 क्या करेगा, सेपरेट राउट भेजने की जगह क्या भेजेगा आगे? समरी। R2 क्या करेगा, सेपरेट राउट्स भेजने की जगह आगे क्या भेज देगा? समरी भेज देगा, क्लियर? तो R3 पे जाके आप चेक करो, पहले सेपरेट राउट आ रहे थे, फिर जैसे ही हमने समरी भेजी नेबरशिप एक बारी फिर से क्या हुई है? रीस्टार्ट। क्योंकि पहले जो R2 ने राउट सेंड करे थे वो कैसे थे? इंडिविजुअल। बट R2 अब इंडिविजुअल राउट ना भेजने की जगह क्या भेज रहा है? समरी। तो अब राउटिंग टेबल दोबारा चेक करो, देखो पहले हमारे पास क्या आ रहे थे? इंडिविजुअल राउट्स आ रहे थे ना, बट इस बार हमारे पास क्या आ रही है? समरी। और सबनेट मास्क क्या आ रहा है? /22। सो अगर EIGRP में आपको समरी जनरेट करानी हो देन कैसे कराते हैं? आप इंटरफेस पे जाओ, वहां पे जाके क्या कमांड लिखो? IP समरी एड्रेस, उसके बाद EIGRP, देन उसके बाद क्या लिखना है? AS नंबर, और उसके बाद वो समराइज नेटवर्क लिखो जो आपको आगे सेंड करना है।
अब सर यदि मेरा जो नेटवर्क है समराइज कर रखा है इस पे वन पे वो नेटवर्क चला गया उससे क्या होता है समराइज कर रखा है करके देख लेना। क्या डिफरेंस पूछा था आपने डिफरेंस है या नहीं तो डिफरेंस नहीं है क्यों नहीं क्योंकि हाँ जी मैं एक सेकंड पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं फिर आते हैं सवाल। हाँ जी इतना समझ में आ गया सबको कि EIGRP में अगर समरी जनरेट करनी है तो कैसे करेंगे IP समरी एड्रेस EIGRP AS नंबर और उसके बाद क्या वो नेटवर्क जो आपको समराइज करके आगे सेंड करना। क्लियर इतनी बात। हाँ जी अब आते अब बताओ अब आप क्या कह रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो कमांड चलाई थी EIGRP में जाके तीन नेटवर्क कमांड चलाई थी ये तीनों ठीक है इसमें डिफरेंस नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सर जैसे आपने चलाया नेटवर्क 10.0.0.0 उसमें सर 8 बिट ऑन है बाकी सारे बिट ऑफ वैसे भी आप वैसे ही आपने चलाया 10.255.255 इसमें भी 8 बिट ऑन है बाकी समझ गया ठीक है आपका लॉजिक ठीक है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं तीनों कमांड्स सेम ही ठीक है तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा ढूंढ के लेके आना ठीक है तुम्हारा लॉजिक मुझे समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हो ठीक है जी ढूंढ के लेके आना क्या है क्या नहीं। कई बार आपने नोटिस किया CCNA से कि अगर मैं राउटर पे जब लूपबैक बनाता था 1.1.1.1 का मतलब जब भी आप बनाते थे लूपबैक तो अगर आप ये लिख देते थे तब भी एडवर्टाइज हो जाता था आप ये लिख देते थे तब भी एडवर्टाइज हो जाता था और कई बारी तुम जल्दी में क्या लिख देते क्या लिख देते थे वहां पे ये लिख देते थे तब भी एडवर्टाइज हो जाता था तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना कि क्यों अलग अलग लिखने पे क्यों एडवर्टाइज हो रहा है। भाई अभी तो तू बोल रहा था अलग है अब तू पलट गया मैंने वाइल्ड कार्ड तो लिखा ही नहीं। हाँ जी समझ में आया इतना इसको सर्च करके लेके आना कि अगर मैं एक वन का लूप बैक बनाता हूँ राउटर पे लेट से मैंने लूप बैक बनाया 1.1.1.1 क्लियर और मैंने उसके बाद ये तीनों कमांड चलाई तो इन तीनों कमांड्स में डिफरेंस क्या होगा क्लियर क्या ये सेम है क्या ये अलग है ढूंढ के लेके आना मैं तो कराऊंगा ही क्लास में ठीक है। देखा नहीं कभी नोटिस नहीं किया CCNA में कमांड चलाते हुए देख के नहीं चलाते कमांड कि ट्रेनर कई बारी तो ये वाली कमांड चला देता था नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए ट्रेनर कई बारी ये वाली कमांड चला देता था तो जब कमांड अलग अलग कैसे चल सकती है जब एक ही चीज के लिए सोचा करो ऐसी चीज देखा करो कि क्या हो रहा है ठीक है। उसके बाद आप यहां पे नोटिस करो तो क्या कर सकते हो R2 पे नोटिस कि R2 ने सेम समरी अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर ली With exit interface null 0 and with AD value 5. Clear? R2 ने क्या करा वो सेम समरी जो R3 की तरफ जनरेट करी थी ना वो सेम समरी अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर ली विद एग्जिट इंटरफेस एज null 0 एंड विद AD वैल्यू एज 5. क्लियर अगर आपको देखना हो AD वैल्यू 5 ही आ रही है या नहीं तो आप कैसे देख सकते हो शो IP राउट 10.0.10.1.0.0/22 पता जो न्यू iOS आई है ना 15.8 उसमें पता क्या है कि आप इंटरफेस पे IP देते थे तो क्या लिखते थे IP एड्रेस कीवर्ड लिखते थे उसके बाद IP स्पेसिफाई करते थे फिर सबनेट मास्क। अब नए वाले जो 15.8 है ना उसमें सबनेट मास्क देने की जरूरत नहीं है आप स्लैश नोटेशन दे दो वो भी काम कर जाते। जैसे IP देनी है ना आपको इंटरफेस पे तो आप सीधा दे सकते हो 192.168.1.1/24 खत्म काम कर जाएगा। क्लियर तो स्लैश नोटेशन भी वर्क कर रही है आज के टाइम पे जो न्यू iOS आ रही है उसमें सबनेट मास्क देने की जरूरत है ही नहीं। अब यहां पे देखो जैसे ही R2 ने R3 की साइड समरी जनरेट करी R2 ने क्या करा उस समरी को अपनी टेबल में भी इंस्टॉल करा विद AD वैल्यू 5। AD वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पे 5 और एग्जिट इंटरफेस क्या बता रहा है null 0।
तो याद रखना, अगर एक राउटर किसी दूसरे राउटर की तरफ समरी सेंड करता है तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर समरी को अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल कर लेता है, उस पर्टिकुलर समरी को अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल करता है एडी वैल्यू कितने से, 5 से, और एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, नल जीरो। क्लियर, एडी वैल्यू 5 होगी और एग्जिट इंटरफेस हमारा क्या होगा, नल जीरो। दिस थिंग इज क्लियर। सो अगर एक राउटर एक राउट जनरेट कर रहा है तो वो क्या करता है, उस बेसिकली समरी को, देखो R2 ने मैनुअल समरी किसकी साइड सेंड की है, R3 की साइड। सो R2 क्या करेगा, इस समरी को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा एज EIGRP, एज इंटरनल EIGRP राउट। क्लियर, और इसके साथ AD वैल्यू कितनी रख लेगा, 5, और एग्जिट इंटरफेस क्या रखेगा इसके साथ, नल जीरो हमेशा। क्लियर, हमेशा, ठीक है।